उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश की गई। रायबरेली में डंपर के ड्राइवर ने रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डाल दी। शुक्र था कि लोको पायलट की नजर इस पर पड़ गई और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। 20 फीट पहले इस ट्रेन को रोक दिया गया। लोको पायलट संजीव कुमार और को पायलट सौरभ सिंह ने ट्रैक से मिट्टी हटाई और फिर धीमी गति से ट्रेन को आगे बढ़ाकर स्टेशन को इन लोगों ने सुरक्षित स्टेशन तक ट्रेन को पहुंचाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। रेलवे ने घटना में जांच के आदेश दिए हैं। ट्रेन रायबरेली से कानपुर जा रही थी, जिसे शिकार बनाने की साजिश की कोशिश की गई। ये रघुराज सिंह रेलवे क्रॉसिंग का मामला है। यूपी में पिछले 52 दिनों की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ट्रेन को पलटाने की साजिश की ये छठी वारदात है। इससे पहले कानपुर में इस तरह की कोशिश हो चुकी है और कई जगह इस तरह के प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ दाद देनी होगी सूझबूझ की। लोको पायलट ने ट्रैक पर मिट्टी पड़ी हुई देख ली और उसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को डीरेल होने से बचा लिया। जो सुरक्षा है कि मिट्टी का गेट खुल गया, थोड़ा बहुत गिरेगा, लेकिन एक पूरा टीला गिर जाना और ट्रक का अचानक, कहीं उसकी हाइड्रोलिक तो नहीं फेल हो गई, उस ट्रक ड्राइवर की या चालक की क्या मंशा थी कि पूरी मिट्टी यहाँ गिर गई, ढेर लग गया। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, कोई भी इंजीनियर होगा, कोई अधिकारी होगा, तो अचानक जो गेट खुलेगा लेकिन उसका लेवल बराबर होता है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी गिरेगी, लेकिन पूरी मिट्टी का ढेर यानी पूरा ट्रक जो है उसकी पूरी मिट्टी यहाँ पर कैसे गिरी, सबसे बड़ा सवाल। तो जो शक लोगों में पैदा है कि आखिर आपको मिट्टी यही गिरना था, गेट खुला था तो थोड़ा आगे भी जा सकता था, लेकिन आगे नहीं गया, पूरी मिट्टी यहीं गिर गई। तो मिट्टी बराबर जब ट्रक होता है, गेट खुलता है, उसका बैग की जैसे जो अधिकारी बात कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी बात कर रहे हैं, तो मिट्टी इतना बड़ा ढेर ना लगता, ये बड़ा सवाल। ये रेल महकमे को सोचना होगा, उच्च अधिकारियों को सोचना होगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस प्रकार की खबरें मिल रही हैं कि कहीं रेलवे ट्रैक पर ये पाया गया, कहीं वो पाया गया, और रायबरेली में ये कल इतना बड़ा यूं कहे कि हादसा होने से बचा। संभवतः वो तो जो पायलट था उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, लोगों ने यहाँ शोर मचाया, तब जाके जो है वो रुकी और रुकने के बाद ये मिट्टी हटाई गई। तो आप समझ सकते हैं मिट्टी हटाने में करीब 20 से 25 मिनट लगे, और ये सूचना पहले दी गई उच्च अधिकारियों को, यहाँ के इस जो गेटमैन उन्होंने गेट बंद किया होगा, फिर उसके बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। तो आप समझ सकते हैं कि बार बार जो इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो ये यानी ऊपर वाले का ही शुक्र मनाइए कि ड्राइवर जो इसका ट्रेन का था, स्पीड कम थी क्योंकि आगे स्टेशन है, वही स्टेशन 500 जो ये दूरी होगी वहाँ स्टेशन है, दिख रहा होगा, उस स्टेशन पे ट्रेन को रुकना था। ट्रेन यहीं से चलती है रायबरेली के लिए और रायबरेली से यहीं आती है। रघुराज सिंह जो ट्रेन है, शटल ट्रेन एक चलाई गई है, वो स्टेशन आपको दिख रहा होगा, तो अमूमन स्टेशन के पास 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के पास ही रुक जाती। ये देखिए, ये यहाँ है, ये ड्यूटी पर उस समय नहीं था। भाई साहब, तुम नाम क्या है? संजय कुमार मीना। क्या करते हैं? गेटमैन। कल आप थे जब हुआ था? जब मेरा जॉब ड्यूटी ऑफ था। अच्छा, क्या सुने थे आप? वही जो आप सब देख रहे हो, मिट्टी का। जी। तो ये अचानक आप ये भी मानते हैं पूरा ट्रक खुल गया, गिर गया ढेर, तो ये लापरवाही किसकी मान रहे हैं आप? उन्हीं ट्रक ड्राइवर की मानते हैं। देखिए, ये बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि गेटमैन है, इनकी भी सीमाएं हैं। तो ये जो ट्रक से इतनी ज्यादा मिट्टी गिरी, यानी ये ट्रक में अमूमन कितनी मिट्टी हो सकती है, रेलवे के इंजीनियर समझेंगे और जो जो कंपनी जो ट्रक जहां काम कर रहा वो समझेंगे और जांच अधिकारी समझेंगे। फिलहाल हादसा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो हादसे की आशंका थी, आशंका फिलहाल दूर हो गई, कोई उस तरह की घटना नहीं हुई, बच गई। जो ट्रेन का जो ड्राइवर थे, चालक थे, उनकी जो है सावधानी से बहुत बड़ी जो घटना घटने वाली थी वो घटना बच गई। अब इसमें देखना है कि उच्च अधिकारी जो रेलवे महकमे के हैं और लोकल, जिस प्रकार से लोकल पुलिस अपना एक जो उनके अधिकारी ने जो बयान जारी कर दिया उसके बाद, अब इस पर, क्योंकि ये मामला बहुत ही, अगर कहें इस तरह के मामले बार बार होना, वो भी प्रदेश के कई जिलों से आ रहे हैं, इस पर रेलवे महकमे को
जो यात्रियों की सुरक्षा के लेकर के कोई ठोस उपाय और कदम सोचना होगा और इसकी जांच करनी होगी। अब देखना है कि इस पर जो है उच्च अधिकारी और शासन में बैठे रेल महकमे के अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। शिव प्रसाद।